की ऐसी खिलजी की मैं ऐसी वो खुजली कराऊंगी ना, एक बार जाने दे मेरे को। घर में नहाता भी नहीं था, वहाँ पे बार बार सज रहा है, ये ताली मार रहा, हाथ पकड़ा है अभी। सो गाइज गुड मॉर्निंग, सब कैसे हो? पता नहीं मेरे फेस को क्या हो गया है, एक तो मैं पूरी ऐसे डार्क डार्क लगने लग गई हूँ और ये पिंपल हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा। और मेरी तबीयत दो दिन से बहुत ज़्यादा, मेरे को फीवर है। जिस दिन से मेरी क्लिप जो है वो आई थी मार्केट में जो सलमान खान सर के साथ, उस दिन के बाद मैं ठीक ही नहीं हुई, पता नहीं अब तक मेरे को इतना ज़्यादा फीवर है। कल 102 था, परसों 103 था, फीवर मतलब हट ही नहीं रहा। ऊपर से गला, पता नहीं शायद वायरल चल रहा है या क्या सीन हुआ है, पता नहीं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 1 और अभी मैं जस्ट 11:30 सो के उठी थी, क्योंकि मैं रात को सोई थी 3-4 बजे के करीब, और 7 बजे मैं एक नूर को स्कूल छोड़ने के लिए रेडी भी कर दिया था और उसे छोड़ कर आई थी स्कूल। तो अब उठी हूँ, नाश्ता करूँगी दोबारा, मतलब उठी नहीं, 11:30 उठ गई थी फिर भी, क्योंकि 12 बजे जो है एक नूर को लेके आना होता। तो गई बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। बाय द वे आप ये बताओ सबसे पहले तो कि आप सन्नी की वीडियोस देख रहे हो या नहीं देख रहे, या लाइव देख रहे हो, या कुछ भी आपके पास पॉइंट्स है तो प्लीज़ जैसे ऐसे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसे वो मेरे बारे में बात कर रहा है, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ आप वो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजना ताकि मैं भी देख पाऊँ, क्योंकि मैं भी पूरा लाइव तो नहीं देख पाती, कितना ही ट्राई कर लूँ, बट फिर भी अपना 100% देने की कोशिश कर ही रही हूँ। बट कुछ लोगों के बारे में इतने चर्चे मेरे को आप लोगों से करने हैं कि उन लोगों पर तो मेरे को वो मतलब इतने गुस्सा आ रहा है उन लोगों पर, उनके बारे में बहुत एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो चीज़ों का समझने में। बहुत दिमाग ख़राब है, अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करूँगी, अभी बोला है मैंने ब्रेकफास्ट आलू के पराठे खाने के लिए। सो गाइस मेरा आज का ब्रेकफास्ट है गोभी के पराठे विद बटर। मैं येलो वाला खाती हूँ, आप कौन सा खाते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं वाइट वाला नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है वाइट वाला, मुझे यही पसंद है। गाइस एक नूर का स्कूटर आ गया, पता नहीं है आपको पता है कौन सा कलर का है? ये ब्रो ब्रो मम्मा वो वाला स्कूटर तो खराब है, ये पापा ने बिग बॉस में से भेजा है आपको। ओपन करें, लेट्स ओपन। तो गाइस इसे ओपन करते हैं एक नूर के स्कूटर को, ठीक है नूर? आईज क्लोज करो आप। गाइस एक नूर को, एक नूर के पास ऑलरेडी बहुत सारे स्कूटर्स हैं, आई मीन 3 स्कूटर्स हैं। क्या हुआ? निकालो, सरप्राइज है इक्कू का, निकालो। पावर हाँ, पावर दिखा, पावर। किसकी बेटी है तू, किसकी बेटी है काका? अपनी मम्मी की। ओ ब्रो कैसा लगा? गाइज स्कूटर आया है एक नूर का, वाओ सो अमेजिंग। इसको गाइज ऊपर करना है। आ, तेरी तो, अबे तू मेरी बेटी है लेकिन मुझसे ऊपर नहीं हो रहा। रुको गाइज, सो ये है कुछ इसकी लुक, और आज ये सरप्राइज आया एक नूर का, पापा ने बिग बॉस में से भेजा है, पता है आपको ये? चलो लव यू बोल दो पापा को। लव यू बोलो, पापा जीत के आना, पापा जीत के आना, उससे पहले मत आना, पारी करो, फ्लाइंग किश करो। गाइस स्कूटर मैंने मंगवा लिया, पर ये दूसरी माँ है एक नूर की, भाई साहब इन्होंने ही सेट करके दिया है एक नूर को, और ये एक नूर को ट्यूशन पढ़ाती हैं। जिसको नहीं पता है उन सबको ही पता लगना चाहिए अब एक नूर के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। और मेरे पीछे से जब मैं बॉम्बे में दी, दी ने बहुत सारा सपोर्ट किया है एक नूर को, और स्कूटर उसका सेट करके दे दिया दी ने, तो मैं ट्यूशन भेज रही हूँ अभी दी थोड़ी देर में, ठीक है? एक नूर की फ्रेंड है, हाय अनवी। हाँ बोलो। मेरी जैसी साइकिल लग रही। मेरे जैसी नहीं, आपने उसके जैसी मंगवाई है। आपके पास ऑलरेडी कितने स्कूटर्स हैं नूर? 2 स्कूटर्स ऑलरेडी है, ये थर्ड स्कूटर है। वो वाला तो गुम हो गया। गुम नहीं हो गया, दादी घर छोड़ के आई है तू? नहीं, के घर देखा, पता है इसका सब है, बड़ी चला के ये नया स्कूटर खरीदने के लिए। किसने भेजा ये आपके लिए?
किसने, मैम ने मंगवाया? अरे वाह जी वाह, तो आपने हग ही नहीं करी मैम को फिर? आपने तो हग ही नहीं करी, आप तो बहुत गंदे हो। कैसे कैसे करिए, करके दिखा दे फिर। अरे वाह जी वाह। तो गाइस ये टीचर और एक छोटी सी बच्ची का बॉन्ड देख लो। अब उसको टेंशन हो गई, मेरी माँ को गले लगा लिया है, उसको टेंशन हो गई। हाँ कर लो कर लो कर लो कर लो भाई, अपनी माँ नहीं कोई दे सकती, कोई भी बच्ची। 2 hours later फोन में रख रहे हो तुम भी? ओए होए होए क्या हो गया, लड़की साथ बात कर रहे हैं? कुछ कर, कुछ मसाला डाल, दिखेगी चमकेगी। ये क्या दूसरा हो ज्ञान बांट रहा है? खुद तो कुछ कर रहे हैं, खुद तो लड़कियों से बातें कर रहा है। यहाँ पे दिखेगी तो चमकेगी, इसको दिखाती हूँ मैं, रुक जाए एक बारी। नहीं तू है यार, तू दिलदार है। ओ भाई साहब, ताली मार रहा, हाथ पकड़ा है इसने उसका भी, मजाक से हट गया, अब दिमाग खराब हो रहा है मेरा, अभी ताली मारी है उसने। अंदर जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, वो जा रहे हैं दोनों। एक साथ जा रहे हैं इधर, इसकी ऐसी खिलजी की मैं ऐसी वो खुजली कराऊंगी ना, एक बार जाने दे मेरे को अंदर। क्या बोल रहे थे, घर में नहाता भी नहीं था, वहां पे बार बार सज रहा है। ओ इसका मतलब वहां लड़के ज्यादा हैं, थोड़े सुंदर है ना वहां पे, सुंदर यहाँ पे सुंदर थोड़ी ना कोई। पहले छोड़ के इसको मारो, पहले इसको मारो। आंटी भी ऐसे मेरे को प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, मेरे को रहना ही नहीं है इसके साथ। अभी मैंने कुछ दिन पहले 2-seater गाड़ी ली है, सुन ले। तो नीचे करो थोड़ा। ये लाल साड़ी वाली। हाँ। बात कर रहे थे ऊपर के, तो बीच में ही बोलते हैं। आप ऐसे क्यों? लाल साड़ी वाली, इसको सभी याद रहता है कि लाल साड़ी पहनी थी इसने। वो सन्नी बुलवा रहा था, उसने मना करा है कि मैं सन्नी नहीं बुलवाती, बोलती तेरे को, मैं तेरे को तहलका भाई बोलूंगी। सही करा है, इसके ज्यादा पर निकल रहे हैं, इसके पर ही काटूंगी वहां जाके, दिमाग खराब कर रहा है ये। नहीं नहीं पहले की है। किया आपने सेट कि करवाना है? ओ किडनी पे मुक्के मारूंगी, लड़कों से बात ही नहीं कर रहे भैया वहाँ पे, तो लड़के से बातें कर रहे हैं। गाइस अब हम जा रहे हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा शुभ काम, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने मंदिर की स्थापना नहीं करी थी नवरात्रे के फर्स्ट डे कुछ रीज़न से, बट मैं ज़रूर माता रानी का दरबार लगाती हूँ, और मैं स्पेशली अभी माता का मंदिर लेने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि जैसे ही सन्नी अंदर बिग बॉस में जाएंगे तो मैं माता रानी को ज़रूर स्थापित करूँगी नूर की पैंट के लिए। तो फिर आज हम माता रानी को लेने जा रहे हैं, और माता रानी की जोत जलाएंगे भाई 9 दिन तक, कोई भी जलाए, कभी मैं जलाऊं कभी कोई भी जलाए, लेकिन जलेगी ज़रूर माता रानी की जोत। और मंदिर लेते हैं, अभी मंदिर चूज करेंगे कि कौन सा सबसे सुंदर है, फिर माता रानी के लिए वही मंदिर लेंगे। मंदिर तो सारे ही सुंदर होते हैं, बट फिर भी हम अपने लिए चीज़ें चुनते हैं, तो माता रानी के लिए भी सुंदर सा घर चुनेंगे। और एक बहुत ठंड हो रही है, तो मैं एक नूर को ना पहले कपड़े पहना देती हूं, वो नीचे सोसाइटी में आके खेल रही है। जिसने परेशान कर दिया, तो मेले में जाना है, मेले में जाना है। कौन सा झूला लोगे? तो गाइस जी ये वाला झूला लेगी, और इसमें सबसे ऊपर बैठेगी। ड्रैगन वाला, कोलंबस बोलते हैं इसे। गाइस मोहित कह रहा है कि मोहित हॉन्टेड हाउस में जाएगा, वो भी अकेले। जा दास कह तेरा भाई, तुम्हारा भाई वापस आ गया है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखा यहाँ पर, और मैं
कुछ भी नहीं था, मजा आ गया। कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक है। फ्लैश इनको डर लगता है, और वैसे इन्होंने खरीद लिए मुखौटे भूतों वाले। मम्मी देखो, मम्मी मैं कैसे लग रही हूँ, अबे मैं तो भूतनी लग रही हूँ ना। गाइस मैं हूँ दीपिका, भूतनी दीपिका, सबको डराऊंगी आज। पागल, डर ही नहीं। देख आधे लोग डर चुके हैं गाइस। गाइस ऊपर अपने बंदों को डराएंगे, ये तो डर, ये बच्चे डर क्यों नहीं रहे। एक मैं फिर से डराने की ट्राई करूं। बच्चे डर गए ना, डरे कि नहीं, डरे कि नहीं। बिग बॉस देखा था रात को, मजा आया था। कौन आया था उसमें? तहलका। मैं नहीं आई थी तो फिर कैसा लगा? फिर मजा आया बेटा, सपोर्ट कर देना अब, डना ना। ओके गाइस, ये बच्चे डरते नहीं है, तो सन्नी डरता है मुझसे। इस दुनिया में, पूरा ब्रह्मांड में सन्नी डरता है मुझसे। ओए हार्डेस्ट टू कम करिए, हार्डेस्ट टू कम। तेरा डर खत्म हो गया क्या मुझे लेके? सो गाइस ये है हमारी सोसाइटी की लिफ्ट। हम बताएंगे नहीं हम कौन सी सोसाइटी में रहते हैं। मुझे पता है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मेरी सोसाइटी के बारे में जानने, लेकिन कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, और कुछ लोगों को ऐसा इंटरेस्ट बनवा दूंगी मैं थोड़े दिन में, इतने सुपर सुपर हिट स्टार बन जाऊंगी। गाइस अभी अपने घर के बंदों को डराऊंगी। ये पकड़ा